What is up guys, कैसे हो आप लोग? So today is a Tuesday and शाम को ऑफिस का काम खत्म करने के बाद I have just decided to go on a short spin because I came back to the mountains on Sunday and was eagerly waiting to ride my Tiger 900. So आज बिल्कुल वेट नहीं हो पा रहा वीकेंड का कि मैं अगले सैटरडे तक का वेट करूँ. इसलिए ट्यूजडे शाम को 5:30 बजे अभी निकल रहा हूँ. सो अभी 2.5 घंटे इधर उधर आगे राइड करके आएंगे. प्लान ये है कि मनाली की तरफ चलते हैं. रास्ता कहाँ पे किस जगह से टूटा है वो तो हमने देख ही लिया था, बट ऑल्टरनेट रूट्स वगैरह देखता हूँ मैं अभी कि मनाली जाना कितना मुश्किल हो चुका है. एग्जैक्ट सिचुएशन आप लोगों को दिखाऊंगा. बाय द वे, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट राइड दैट आई विल बी डूइंग, विच आई विल बी कैप्चरिंग आई शुड से, ऑन द GoPro Hero 11 दैट आई रिसेंटली बॉट. दिस विल बी माय सेकंड GoPro. Hero 7 मैंने लिया था 2018 एंड में या 19 में आई थिंक, तो 4 साल बढ़िया चला है. Hero 7 आई विल बी यूजिंग नाउ एज माय सेकेंडरी कैमरा और द बैकअप कैमरा, एंड Hero 11 विद द मीडिया मॉड विद बी द वन दैट आई विल बी यूजिंग एज अ प्राइमरी सेटअप. सो आज की वीडियो की क्वालिटी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी. सो दिस इज हाउ द Hero 11 माउंटेड ऑन माई AGV AX9 हेलमेट लुक्स लाइक. यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा है मीडिया मॉड के साथ आई डोंट नीड दैट अडेप्टर जो पहले GoPro के नीचे लगता था. काफ़ी दिन हो गए टाइगर को स्टार्टअप करे. कल बाइक को हमने साफ करवाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीचड़ में पड़ी हुई थी आफ्टर माई लास्ट राइड, और उसके 15 दिन तक बाइक ऐसे ही पड़ी थी. नई जगह से लगाते हैं बाइक को लिफ्ट लॉबी के थ्रू. ये यू टर्न बढ़िया है. वो देखो सामने क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है, मस्त बन रहा है एकदम. लाइट कैसे आ रही है पहाड़ों और बादलों के बीच में से सनसेट हो रहा है. एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द राइड. चलो, बड़े दिनों के बाद टंकी में है तेल कम तो वो भी भरवाना है. 46 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है. सो ये वाला सारा रास्ता जब मनाली में अभी फ्लड आया था इस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है. 2-3 जगह क्लाउड बस्ट हुआ था एंड उसके कारण आई एम रियली नॉट श्योर कि कितना हम जा पाएंगे. क्या मक्खन मलाई स्मूदनेस फील हो रही है यार टाइगर को चलाने वाली. सो मैं आपको क्लाउड बस्ट के बारे में बता रहा था. देखो ये नॉर्मल रोड थी, इसके राइट में जो भी ये मिट्टी है एंड ऊपर ये जो राइट में पूरा रास्ता बना है, ये पूरा रास्ता एकदम बंद था. इसको पूरा फाड़ के निकल कर आई है नदी इसमें से. एंड ये देखो ये जो सामने आपको राइट लेफ्ट में जो भी दिख रहा है ना मिट्टी इकट्ठी हुई हुई, रोड इतनी नीचे धस चुकी थी अंडरनीथ ऑल दिस पाइल ऑफ मड. सो 3-4 फीट ऊंचा बन चुका था एक मड का पूरा पाइल रोड पे, कि रोड दिख ही नहीं रही थी. जो लोग दिल्ली NCR या प्लेन्स में रहते हैं उन लोगों का ना इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि पहाड़ों में पानी का फोर्स कितनी जल्दी मूड बदलता है अपना. जो मेरे लेफ्ट पे नदी दिख रही है ब्यास, इतनी शांत लग रही है ना इस समय. अगर अभी यहाँ से व्यू आपको दिखाऊँ, अभी आई थिंक लोकेशन सही नहीं है, बट उस नदी को अगर आप देखोगे ऐसा लगेगा यार कुछ भी नहीं है, इतनी शांत नदी है किसका बुरा करेगी. इनफैक्ट मैं घर में नॉर्मली बात करता था यार कि इस नदी में पानी तो ख़त्म हो रहा है, लगता है नदी बचेगी नहीं. बट जुलाई 10 वाले वीकेंड उसके आसपास इस नदी ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि क्या ही बोलूं यार, इट वाज इनसेन जिस टाइप का डैमेज हुआ है. इतना ज़्यादा पानी था इस नदी में, क्रेजी. मुझे भी एकदम से आई वॉज टेकन अ बैक के इतना ज़्यादा पानी का फोर्स कैसे आ सकता है, वो भी छोटे से नाले में से. नाला एज इन यहाँ पे जो छोटा छोटा जो पानी की स्ट्रीम्स बहती है ना उसको यहाँ पे नाला बोला जाता है. सो ये जो न्यू मोटो व्लॉग सेटअप बनाया हमारा Hero 11 के साथ, इसमें ये भी बताना है यार कि वॉइस क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है. सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग नगर एज दे कॉल इट. ये ट्रक्स का ट्रैफिक कभी भी नहीं होता इस रोड पे एंड अब आ चुका है बिकॉज द अदर वे इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड राइट. सो ये है हमारी सैडलिंग जो हम कर रहे हैं टाइगर 900 पे. एंड सैडलिंग करने का जो गाइज मज़ा होता है ना एडवेंचर बाइक पे, वो वर्ड्स में बताना एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एक अलग टाइप की फीलिंग देता है, स्पेशली जब आप एक बड़ी पावरफुल एडवेंचर बाइक चला रहे हो. और अगर इस फीलिंग को एक्चुअली में डिस्क्राइब करना हो ना तो आई वुड से इट इज़ वेरी कंपेरेबल टू द टक्ड इन पोजिशन
ऑन सुपर बाइक्स, जब आप सुपर बाइक चला रहे होते हो, चाहे आपको रेस ट्रैक जैसी रोड मिले ना मिले, बट कभी कभी फन के लिए बंदा ऐसे फुल टक इन होके चलाता है, राइट? तो सैडलिंग ऑन एन एडवेंचर बाइक इज एक्चुअली एन इक्विवेलेंट टू द टक्ड इन पोजीशन ऑन अ स्पोर्ट्स बाइक। इससे बेटर तरीके से मैंने आपको इस फीलिंग के बारे में बता नहीं सकता। सीन ये है कि जिस तरह का सामने मेरे को ट्रैफिक जैम दिख रहा है ट्रक्स ही ट्रक्स का, मेरा जो प्लान था इनिशियली मनाली साइड जाने का, मुझे लग रहा है उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वापस चलते हैं एंड नागर में ऊपर एक वाटरफॉल है जाना वाटरफॉल, वहाँ जाके देखते हैं। आई थिंक वो एरिया काफ़ी सिक्लूडेड है, काफ़ी शांत है, बाइक चलाते समय यार आप राइड पे निकले हो ये ट्रैफिक मिल जाए क्या फ़ायदा। सो दैट इज़ वाई आई एम डिसाइडिंग टू टर्न बैक नाउ, क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई अभी तो ये डिज़ास्टर जो हुआ है मनाली में उसके बाद ट्रैफिक कम होगा तो अभी मार लेते हैं ट्रिप, मत आना, क्योंकि अभी चीज़ें यहाँ पे रेडी नहीं है ट्रिप करने के हिसाब से। देख रहे हो ना ये क्या हुआ पड़ा है, बाइक पे हूँ इसलिए निकल रहा हूँ, गाड़ियों पे तो कुल्लू नागर मनाली रोड पे लंबे लंबे जैम लग जाएंगे। अच्छा ही हुआ वापस ले लिया, नहीं तो घर पहुँचना मुश्किल पड़ जाता आज शाम को। एंड यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर टूवर्ड्स जाना वाटरफॉल। तो यहाँ से लेफ्ट ऊपर जाता है नागर कैसल एंड ये जो राइट है ये जाता है जन्ना वाटरफॉल्स। दिस इज़ वन एरिया वेयर द 900 इज़ एक्चुअली मच मच बेटर दैन द 800 विच इज़ द इंजन ब्रेकिंग। जब आप डिसेंट्स पे फर्स्ट गियर पे बाइक को रखते हो तो शार्प अगर डिसेंड हो, मतलब स्टीप ढिलान हो जिसे कहते हैं, उसमें बंदे को ना कंट्रोल चाहिए होता है, यानी कि बाइक भाग रही है फर्स्ट गियर में भी स्लो डाउन नहीं हो रही इंजन ब्रेकिंग में, एंड ये बहुत बेटर है फ्रॉम द 800। एंड ये हमारा जा रहा है भाई अकेला, एंड ये इसकी सखियां। गाइस इस जगह की वाइब देखो, राइडिंग योर ट्रायम्फ टाइगर 900 एंड दिस सीनरी ऑल अराउंड यू, दीज ह्यूज टॉल ट्रीज एंड द माइल्ड ट्विस्टीज टू कीप यू एंटरटेन्ड, अलोंग विद दैट दिस सिंगल ट्रेल ट्रैक एंड द फ्रेशनेस ऑफ द माउंटेन एयर। भाई ये है फीलिंग, सो वेन यू आर ऑन द राइड समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक स्टॉपिंग एंड एब्जॉर्बिंग द सीनरी अराउंड यू। इस रैंडम प्लेस पे आके रुका हूँ, वी आर इन रूट द जाना वाटरफॉल एंड बाइक को बस ऐसे ही दिल करा यार पार्क करके सीनरी इंजॉय करने का। सामने क्या मस्त शाम है, पहाड़ों की शाम जो बिल्कुल भी नहीं बता रही कि यहाँ पिछले 10-15 दिन पहले क्या मैसिव फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई थी। नीचे देखो वो बने हैं ग्लैम्पिंग डोम्स जो आजकल काफ़ी फैशन में हैं। ये वाले पेड़ पे भी देखो एप्पल लगे पड़े हैं एंड वी आर जस्ट क्रूजिंग थ्रू दी स्मॉल लेन्स। ये छोटी छोटी गलियों में चलाने का भी ना अलग ही मज़ा आता है पहाड़ों पर, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हाईवे चाहिए हो। भाई क्या मजा आ रहा है यार इस राइड पे, रैंडम राइड, नो आइडिया व्हाटसोएवर, आपने खुद देखा मनाली जाने का प्लान था और हम जाना वाटरफॉल की तरफ निकल लिए, कुछ आइडिया है नहीं जाना कहाँ है, बस बाइक चलाने का इंटेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोल इनेबल हो रहा है, ऑफ रोड मोड में डालना पड़ेगा, बीच में आ रही है बाइक की हल्की हल्की जंप्स टेढ़े मेढ़े गड्ढों के ऊपर से। यहाँ पर अभी तक तो रास्ता ऐसा लग रहा है कि ठीक ही था, एक जगह पे ये लग रहा है कि यहाँ पे हुई थी लैंडस्लाइड थोड़े टाइम पहले। इस रास्ते पे जैसा मैं आपको बता रहा था पहले इसुजू से आया था एंड छोटे छोटे रास्तों पे इसुजू को घुमाने में लगती है मेहनत और बाइक को घुमाने में आता है फन।
ओए होए होए होए, क्या मस्त झरना बह रहा है इधर, इधर से भी और इधर से भी। वाह वाह वाह, क्या बात है, मेड माई इवनिंग। ओके, पीछे वाला टायर हो गया था वॉश आउट, एकदम पीछे निकल गया था साइड में, क्योंकि कीचड़ है, थ्रॉटल मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया। रुक जाते हैं, एक बार ऑफ रोड मोड में डाल लेते हैं बाइक, आसान हो जाएगा काम। ये आलस आता है थोड़ा सा, ऑफ रोड। ओके, ऑफ रोड ठीक है। इस राइड में वाला फेज आ गया जब आई डोंट केयर व्हाट टाइम इट इज राइट नाउ, बस चलाए जाओ बाइक, जब तक फन आ रहा है खींचते रहो बाइक को। आई डोंट नो व्हाई, इतने लोग तो होने नहीं चाहिए, बट यहाँ के लोकल ही घूमने आए हुए हैं यार इधर। काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं इधर। सो वी हैव नाउ रीच द जाना विलेज। यहाँ पे है कीचड़ थोड़ा सा, हल्का हल्का निकाल लेते हैं। ओए यो, ओके। So guys, we have finally reached this location which is called the Jana Waterfall. Location इतना ज़्यादा matter नहीं करती। आज weekday पे bike निकालना मेरे लिए matter कर रहा था, because मेरे से 4-5 दिन का wait नहीं हो रहा था bike को चलाने का, क्योंकि weekend का wait करना मतलब 4-5 दिन काम ही करते रहना और bike ना चलाना। काफ़ी अच्छी चढ़ाई थी जैसा आपने देखा, अभी जो footage shoot करा था ride कर समय, काफ़ी steep ascent है। तो लास्ट टाइम इधर मैं गाड़ी से आया था, एंड अब जो लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई हैं उसके बाद आई डोंट थिंक ये जगह गाड़ी से आने लायक बनी है। काफ़ी ऐसे पैचेस थे जहाँ पे गाड़ी निकलने की जगह तक नहीं थी। दिस इज हाउ वी हैव पार्क्ड द टाइगर। पीछे देखो वाटरफॉल, ये देखो मामला, काफ़ी अच्छा फ्लो है इस वाटरफॉल का। एंड दूर से जब पीछे किसी एक टर्न से देख रहे थे तो बहुत बढ़िया लंबी चौड़ी वाटरफॉल दिख रही थी। सो ये हम आए हैं यहाँ पे एक वुडन ब्रिज पे, नॉट श्योर कितनी आपको आवाज़ आ रही होगी, पीछे इज वॉट वी कॉल एज द जाना वाटरफॉल। और ये जो सारा एरिया पीछे आप देख रहे हो ना, जो टेबल्स वगैरह खाली पड़े हैं, मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आवाज़ सुनाई दे, पानी की बहुत आवाज़ है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट होते थे, अब एकदम सन्नाटा, कोई है कोई है कोई है, वो वाला सीन है यहाँ पे अभी। सो अभी मैंने सोचा यहाँ पे एक चाय वाय पीते हैं और वापस टर्न मारते हैं, बट लिटरली सारी की सारी दुकानें बंद हैं, पीछे ढाबा खुला है, उसके पास कोई सामान वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं इधर वेट करने का। यहाँ से बाइक को घुमाएंगे और वापस चलेंगे। सो दैट वॉज आर शॉर्ट एंड स्वीट राइड। आई होप आप लोगों को ये जो नई फुटेज की क्वालिटी है GoPro Hero 11 की पसंद आई हो। कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इट्स 7:15 PM, सो यहाँ से ऑलमोस्ट एक घंटा लग जाएगा मुझे घर पहुँचने में, बट राइड बढ़िया रही। अगर आपको राइड अच्छी लगी, यू नो वॉट टू डू, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, दिल करे तो गाइज शेयर भी कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।